आज हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हमने पार्टी में पीसी बना रखा है, फोन को हवा में उड़ा रखा है, रिमोट कंट्रोल गाड़ियां बना रखी हैं, बट आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं जिसके ऊपर हम 5 साल से काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारा फ्यूचर बिल्कुल बदल सकती है, काफी सारे लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। प्रेम भाई, आर यू रेडी? आई एम बॉर्न रेडी ब्रो। मिडिल नेम रेडी है ना? गणेश रेड्डी। इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी सामग्री सब इकट्ठा कर लिया भाई हमने। रास्पबेरी पाया अपना ठोका पीटी करने के लिए कुछ चीज चाहिए, और यहाँ पे जितनी भी चीजें प्रोग्राम करके हमको दिमाग में शायद डालनी पड़े। हम आज एक ऐसी डिवाइस क्रिएट करेंगे जो दिमाग को कंट्रोल कर पाए। मेरे को पता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और हम खाली कुछ पार्ट को हल्का सा भी कंट्रोल कर पाए तब भी काफी तगड़ा रहेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हमको काफी सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी। हम आ चुके हैं डॉक्टर अनु कपूर जी के साथ। मैम, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में बता दीजिए कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर वो काम करते हैं। बेसिकली हमारे माइंड से न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो अगर हमको कंट्रोल करना हो बॉडी के किसी पार्ट को या फिर हल्की सी मूवमेंट लानी हो, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? कुछ आइडिया होगा आपको? हमारे दिमाग से हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नल्स आते हैं, दीज आर लाइक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। लाइक एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर मैं स्क्रीन भी ऑपरेट कर रही हूं, तो मेरे फिंगर से स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे हैं, तभी ये स्क्रीन भी काम कर पा रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पास आउट कर रहे हैं ये सिग्नल्स, लेकिन अगर इसका रिवर्स अगर हम ग्रैब करेंगे तो इसमें बॉडी बहुत डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है, और यस इट कैन बी वेरी डेंजरस आल्सो। तो हम आ चुके हैं भाई हमारे दूसरे एक्सपर्ट। सर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम बोध आदित्य है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हूँ। हमको इलेक्ट्रिकल्स की काफी नॉलेज चाहिए थी इसके लिए, तो सर हमने ये चीज एनालाइज करी है कि बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट जाने से क्या हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं उस करंट से। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हमें बाहर से कहीं से इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है, तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वो हर एक अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। और उसका एक सॉलिड रिएक्शन ये है कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन मोड में चली जाती है। उसको अगर हम हर एक बॉडी पार्ट के हिसाब से कंट्रोल और मैनेज कर सकें, तो शायद हम अपना एक डिजायर्ड रिएक्शन जो है उस बॉडी पार्ट से अचीव कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है मेडिकल फील्ड में भी, जैसे एनी पेशेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, तो उसकी छाती पे करंट देके उसको वापस से हार्ट बीट्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास है दो चीजें, एक हमारा भाई वेरी हेल्पफुल हेल्दी इंसान, और उसके साथ साथ हमारे पास है बिजली। ये दो टाइप की होती है, एक होती है एसी जो हमारे यूजुअली हमारे घर के जितने पोर्ट्स हैं उसके अंदर आती है, उसके ग्राफ ऐसा होता है, और एक होती है डीसी जो हमारी बैटरीज में और बाकी सारे एरियाज में रहती है। एसी में आपने नोटिस करा होगा, जब भी आपका करंट लगता है तो आप एक बार चिपक जाते हो, ऐसे बार बार झटके लगने लगते हो, लोग एक्चुअली हिलने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, और इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज होता है। इसी एंगल को अगर हम चेंज करें और जो वोल्टेज है उसको बिना फ्लक्चुएट हुए हम प्रोवाइड करें, तो जैसे पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स को वाइब्रेट कर पाएंगे, और अगर वाइब्रेट कर पाए तो कंट्रोल भी भाई 100% कर पाएंगे। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, या फिर आप इसको मिनी ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो, एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए। और ये है वो मशीन जो एसी और डीसी के बीच रेगुलेट कर सकती है। मंगड़ी भाई, कैसा लग रहा है? मेरे को डर लग रहा है, बट करंट ज्यादा हो दिक्कत तो नहीं हुई कुछ? ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, मैं चाहूँगा कि कोई भी घर पे ना ट्राई करे। और अभी तक ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं, बंदरों के साथ, पिग्स के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जा चुके हैं, जहाँ पे उनकी मेंटल स्टेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू चेंज करी जाती है। बट इंसानों के साथ करने में सबको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट की स्पेसिफिकेशंस हैं जो डालनी चाहिए हमको बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। बट भाई, आज तो करना पड़ेगा। Let's go. ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कंप्यूटर है, और इसे हमने एक डिस्प्ले कंपार्टमेंट अटैच कर दिया ताकि हम सारी चीजों को मॉनिटर कर पाएं। और ये हमारा माल मसाला, इससे हम एक्चुअल एक डिवाइस क्रिएट करेंगे जो हमारी बॉडी से भी अटैच हो जाए। अब बस टाइम आ गया इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का, और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक पर्सन है जिन्होंने फुल ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक रोबोट के अंदर एड करा हुआ है, और ये इंडिया से ही है, और ये है वो रोबोट। हमने इससे जो इंटेलिजेंस मिली थी, और हमारे पास एक बोन कंडक्शन ईयरफोन्स है जो एक्चुअल बोन्स में वाइब्रेशन सेंड करके हमारी बॉडी के अंदर म्यूजिक बजाते हैं, हमने काफी टाइम पहले ट्राई कर रखे हैं, पर उन सबसे जितना डेटा आया था वो हमने इस रास्पबेरी पाई में प्रोग्राम कर रखा है, और होपफुली ये सारा डेटा काफी तगड़े से काम करे। तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कितना करेंट डालना चाहिए बॉडी के अंदर। उसका सबसे अच्छा आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने सार्थक की बॉडी में जहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं वहाँ पे हमने ये वायर्स अटैच कर दिए हैं, और ये वायर्स इस रिसीवर में कनेक्टेड हैं, और इससे जाके रास्पबेरी पाई में सारा डेटा स्टोर हो जाएगा जिसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो भाई, लेट्स गो। सार्थक भाई, टेस्टिंग चालू कर दीजिए। भाई, ये तार सर पे नहीं छुड़े होने चाहिए, अभी मूवमेंट की मैपिंग हो रही है ना। सार्थक भाई, पहले आपको अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर करना है।
इस वाले सिग्नल में रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो अब हम नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। इसमें जैसे नेचुरली चलते हो वैसे ही चलो। ओ इस वाले में फेल दिखा रहा है यार। यार ये चलने वाला क्यों फेल दिखा रहा है यार, ये तो करा था भाई। वो एक्चुअली मेरी डिवाइस चल नहीं रही थी, शायद इसलिए नहीं फेल दिखा रहा हूँ। सार्थक भाई तुमको कोई डिस्कम्फर्ट फील हुआ क्या? तार फंस गई थी ना ज्यादा टाइम, शायद इसलिए। मैं सोच रहा हूं ये मैपिंग कैसे फेल हो सकती है, हमने बहुत ज्यादा अच्छे से कर रखा था। तो एक बार फिर से करते हैं। परफेक्ट, हमारी मैपिंग आ गई है सक्सेसफुली। हमने अभी खाली दो एक्शंस मैप करे, इनको ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद भाई फिर से सारे एक्शंस को मैप करके सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके करेंगे। लेट्स गो। तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी कि हाथ में एक एक करके मैप करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो हमने एक वायर माथे पे अटैच कर दिया और एक वायर नेक पे जहाँ से सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। भाई इसको देखते हैं मैप करके। सर तक भाई अपना हाथ मूव करो, अब हेड मूवमेंट एक बार करके देखो। हल्का सा तीन स्टेप्स आगे अगर बढ़ोगे, यहाँ पे तीन डाल दो, एक दो तीन, भाई परफेक्ट सिग्नल हमारा हो गया है डन। तो बेसिकली हमको दो चीज़ें और चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक इंटरफेस चाहिए जो हमारी बॉडी से कनेक्ट हो जाए, और हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सर के ऊपर ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाएँ अलग अलग लोकेशंस पे। उसके लिए हमको एक डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली हमको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो पूरे एरिया को कवर कर पाए हेड स्पेस को, और इसी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम वायरलेसली ट्रांसफर कर पाएँ तो बहुत ही तगड़ा रहेगा। सबसे बेस्ट चीज़ जो वायरलेसली काम करती है वो है हमारा मोबाइल। यार जो मोबाइल है ये कनेक्टेड होगा रास्पबेरी पाई से, और ये रास्पबेरी पाई इंटरफेस करेगा वोल्टेज और रेगुलेटर हैं, और जो करंट पास ऑन करना है वो सारी चीजें इजी से फिगर आउट हो जाएंगी। ये सॉकेट हमारे इसमें लग जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम भी पहली बार कर रहे हैं, बट भाई ऐप बनवाने के लिए हम चल लेते हैं अपने डिजाइनर भैया के पास। हमारे पास सारी चीजें रेडी हैं, बट हमको बस एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर पाए भाई रास्पबेरी पाई को, और मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली हम वो ऐप चला पाए। हाँ भाई बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट में लिख लेता हूं। एक हेल्प बटन भी है उसमें ऐड कर देगी, मतलब हम नहीं चाह रहे कि इस डिवाइस से किसी को कोई भी दिक्कत आए। बन जाएगा भाई एकदम, ये लो आपने बोला इधर रेडी। भाई ये तो नोटबुक पे बना रहा है यार। आपने तो बोला था स्केच बनाना। अबे स्केच यार। भाई पहले ऑन पेपर फिर ऑन स्क्रीन। चल ठीक है डन। एकदम 500 रुपए एडवांस टिप है। टिप है भाई। चलो ठीक है लेट्स गो। फाइनली वो टाइम आ गया, खोल के देखेंगे। डर लग रहा है कहीं खराब ना हो जाए। इसी डिवाइस के थ्रू जो हम चार्ज है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। इस डिवाइस को बिल्ड करने के लिए, सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए हमको 5 साल का टाइम लगा है। एक एक करके सारी चीज़ें हुई, बट आज जब सारी चीज़ें समेट हो पा रही है सामने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यही है वो डिवाइस, यहाँ से एंटीना से रिसीव करेगी। तो बाहर एक डायल अटैच्ड है, इससे हम वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। दिखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है इसको देखेंगे। और ये है वो एप्लीकेशन जिससे हम मैप आउट करके चीजें करा पाएंगे। पहले हल्की हल्की वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई टाइम आ गया। सार्थक भाई डर लग रहा है मेरे को, करंट तो नहीं लगेगा। हमने थोड़ा प्लानिंग कर रखी है, मैपिंग अच्छे से कर रखी है, और जो करंट भी है बहुत ही माइन्यूट सा है, तो उससे मतलब कुछ झटका वटका तो बिल्कुल नहीं है। उसी कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है? भारी सा लग रहा है। रुको भी करंट ऑन हो गया। हमने साइड डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। ये रास्पबेरी पाई एक्चुअली मोबाइल से कंट्रोल कर सकते, सारे सिग्नल्स इस वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। सार्थक भाई आर यू रेडी? रेडी भाई। ऑन करते हैं भाई, ऑन करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। डर को भी काफी डर लग रहा है। 1 2 3 कुछ लाइट जल रही है क्या उसके ऊपर? नहीं भाई नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रही। रीस्टार्ट जो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था ना, लाइक हम जब मैपिंग कर रहे थे, फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं, एक बार रिबूट करके देख लेते। सार्थक अब फील हो रहा है क्या? कुछ फील हो रहा है? आवाज आ रही है कोई? यार करने दे यार, रिकॉर्डिंग आ बंद। मैं चेक करता हूँ कि करंट आ भी रहेगी नहीं। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं भाई, करंट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा भाई। हम अपने कन्वर्टर को डायरेक्टली मैप करके देख लेते हैं यार। अब सारी चीजें इन लाइन है, अब स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। भाई हो गया, कनेक्ट हो गया? हाँ भाई लाइट तो जल रही है। ओ भाई लाइट जल रही। सबसे पहले सार्थक के राइट हैंड को मूव करके देखते हैं। ऊपर नहीं हो रहा क्या? नहीं। स्टॉप कैसे होगा भाई? स्टॉप हो गया। ऊपर नहीं हो रहा क्या भाई? मेरे को ना चक्कर जैसा लग रहा है। एक सेकंड भाई बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ जा भाई। क्या हो गया भाई? चक्कर आ रहे हैं मेरे को भाई। इसके हाथ भी गर्म है गोपाल भैया, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे हार्ट बीट कैसे बढ़ गई यार भाई। डाल पूरा पीना है भाई, एक भी नहीं छोड़ना भाई। इलेक्ट्रोल पी लो, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दे तुम्हारी बॉडी में। ये भाई हॉस्पिटल जा रहा है।
भाई यार ये होना तो नहीं चाहिए यार, तो हमें सीरियसली लेके चलना पड़ेगा। लाइक अब कैसा लग रहा है, सही लग रहा है? हाँ अब तो पहले से सही लग रहा है। इसको किसी और पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि इसकी बॉडी को आई थिंक सूट नहीं कर रहा है। निकल गया भाई सर, रिस्क ही काफ़ी ज़्यादा है भाई, मैंने ही इन्वेंट करा है सारी चीज़ें, हमने ही मेहनत करी है, तो मेरा बनता है भाई खुद पे टेस्ट करना, तो लेट्स गो। जैसे अभी तो कनेक्ट हो गया है श्लोक की बॉडी से, अभी मैं ये जो एल साइड का है लेफ्ट हैंड उसको मूव करा रहा हूँ। ठीक हो? अजीब सा तो लग रहा है यार, ऐसा फील हो रहा है कि भाई सर के अंदर ऐसी चींटियाँ चल रही हैं। बट इस प्रोजेक्ट के लिए भाई इसको बियर करना पड़ेगा यार, आगे कर लेते हैं भाई एक्सपेरिमेंट, आगे रखते हैं। अब वाले में का वॉकिंग भी देख लेते हैं इसकी। भाई कैसे करा रहे हो मेरे को, सही से कराओ यार। लुक्स लाइक GTA वॉक। मुझे एक्चुअली पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, सॉरी। आई गेस इससे भाई काफी तगड़ा चल रहा है यार। अरे भाई पहली बार भाई, कॉन्ग्रेट्स भाई, बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया इसके लिए। लाइक जब से हम साथ में मिलके काम किए, एक प्रोजेक्ट था जो हम चाहते थे कि हम सबके लिए रोल आउट कर पाए, एज ऑफ नाउ थोड़ा सा दिक्कत है बट अच्छा लग रहा है। हम पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इसमें एक हल्की सी मूवमेंट भी कर पाना बहुत बड़ी बात है और बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बट भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं मतलब लाइक रही भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू ऑल्सो फ्रेंड्स, यू ऑल्सो वेरी वेरी वेल डन एंड भाई सबको एक बहुत ही बड़ा कांग्रेस। हाय पर्पल में आते ही ऐसा, मेरे को तो चक्कर आने लगे थे ये आंखों पे, यकीन नहीं हो रहा भाई। आज जो हम चीजें कर पाए वो भाई डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक हैं, रेवोल्यूशनरी हैं। इस हेडसेट से हमको प्यार हो गया और इस पे हम डेफिनेटली काफी नेक्स्ट लेवल चीजें करने वाले हैं। अगले साल तक हम इसको इतना एडवांस करना चाहते हैं कि हम लिटरली घर बैठे रिमोट कंट्रोल से किसी से गाड़ी चलवा पाए, और भाई मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे लिए ये वाली जो डेट है 1 अप्रैल की हमेशा बहुत ही ज्यादा लकी रही है और थैंक यू आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। चलो बाय बाय। हमको एक ऐसी ऐप चाहिए जो इंटरफेस कर पाए दिमाग के साथ। बस भाई हो गया एकदम। पूरा पीना आधा नहीं।